नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जिंदगी के एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरा प्रीवियस वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर बात की थी और एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ में मैंने बताया था कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फ़र्क है, और एक नई टर्मिनोलॉजी जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, विच इज़ कॉल्ड एज ब्रांडेड जेनरिक, जो कि यूज़ की जाती है हमारी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की लैंग्वेज में। सो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस क्यों होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी नए प्रोडक्ट को या किसी भी नए ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करने के लिए बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, और जो ये रिसर्च वर्क है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जब हम दवाइयों पर बात करते हैं तो एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि हमें हर चीज के ऊपर फॉर श्योर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें हम डील कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ के साथ में, तो हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, एक केमिकल को दवा बनने तक का जो सफर है वो तकरीबन 20 साल से 30 साल का होता है। अब इस 20 से 30 साल के बीच में ये केमिकल जो है वो बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, बहुत सारे ट्रायल्स के थ्रू गुजरता है, और उसके बाद में वो मार्केट में एक दवा के रूप में लॉन्च किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं जो ये 20 से 30 साल हैं वो एक घने रिसर्च में यूटिलाइज होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी टीम्स काम करती हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स रिक्रूट किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, उनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है, इवन ड्यूरिंग जिस समय वो उस दवा का सेवन कर रहे हैं, और उस दवा के सेवन को स्टॉप करने के बाद भी ऑलमोस्ट 5 से 10 साल तक बहुत सारे केसेस में फॉलोअप किया जाता है। दोस्तों, इतनी सारी रिसर्च के बाद ही कोई ड्रग जो है वो दवा के रूप में मार्केट में अप्रूव होता है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल फिट है। दोस्तों, इन सब चीजों में बहुत सारे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी केमिकल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर फिट ना पाया जाए, और उसमें जो हमने जितना भी रिसर्च किया है वो बेसिकली एक हद तक वेस्ट भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें जितना पैसा गया, जितना टाइम गया, जितनी एनर्जी एंड एफर्ट्स गए, वो सबके सब वेस्ट हो जाते हैं अगर एक जो केमिकल है वो अप्रूव नहीं हो पाता है एज अ ड्रग और एज अ मेडिसिन। तो आप समझिए कि जितने भी ब्रांडेड दवाइयां, जितने भी इनोवेटर दवाइयां मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उन सब के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च होने के कारण उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो हमने अभी तक बात किया, ये सिर्फ हमने बात किया एक ड्रग के, एक केमिकल के अप्रूवल के बेस पर, जिसमें जो रिसर्च का पार्ट था। अब हम मान लेते हैं कि जो एक ड्रग है वो अप्रूव हो चुका है और अब उसको हमें मार्केट में लेकर जाना है, तो अब यहां से शुरू होती है ड्रग की जर्नी आपके पास तक, कंज्यूमर के पास तक पहुंचने की, और इसमें कितने कितने स्टेक होल्डर्स होते हैं। सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालनी है, आपको वो स्टेट ऑफ द आर्ट डालनी है, आपको उसको वर्ल्ड क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो करना है। उसके बाद में वहाँ से मैन्युफैक्चरर से वो जाती है CFA के पास में, विच इज़ कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। वहाँ से वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बल्क होल्डिंग करते होते हैं प्रोडक्ट्स की। डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है वो रिटेलर के पास में, जो कि हमारे केमिस्ट होते हैं। अब ये तो हो गया हमारा सेल्स चैनल। इसके बाद में, क्योंकि ये ड्रग बिल्कुल इनोवेटिव ड्रग जो है बिल्कुल नए होते हैं, इसके बारे में नॉलेज मार्केट में बहुत नहीं होती है, इसलिए इनोवेटर ड्रग कंपनी को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन किस किस की हो की जाती है? एजुकेशन की जाती है डॉक्टर्स की, एजुकेशन की जाती है फार्मासिस्ट की, एजुकेशन की जाती है पैरामेडिक्स की, एजुकेशन की जाती है पेशेंट की भी।
तो आप समझिए इतने सारे स्टेक होल्डर्स एक दवा की जर्नी में फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर, और उसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी टू ड्रग अप्रूवल काम कर रहे होते हैं। तो इतने सारे लोगों में जब का इन्वॉल्वमेंट एक मॉलिक्यूल को, एक केमिकल को एज अ दवा मार्केट में पहुंचाने में जब एफर्ट्स लगने वाले हैं तो उसमें कितना खर्चा इन्वॉल्व होगा। वेयरएज जो जेनरिक दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग फेज के ऊपर आती हैं और बेस्ड ऑन उसके आगे वो उस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करना चाहती हैं, क्या वो एज अ ब्रांडेड जेनरिक जाना चाहती हैं, तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट्स करती हैं अपने चैनल्स के ऊपर, अपने एजुकेशन इनिशिएटिव्स के ऊपर। और अगर वो डायरेक्टली सिर्फ बल्क मैन्युफैक्चर में जाना चाहती हैं एज अ जेनरिक नॉन ब्रांडेड, तो उस केस में उनको जो मार्केटिंग के ऊपर होने वाले एक्सपेंस है वो उनके बच जाते हैं, उनके जो सेल्स के ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनके चैनल पार्टनर्स के जो कमीशंस होती हैं सिर्फ उसी के ऊपर उनको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो एडवांटेज जो है वो जेनरिक मेडिसिन वालों के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आई होप अब आप ये समझ सकते होंगे कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में वो इतने ज़्यादा हाई कॉस्ट क्यों करते हैं। तो अगर हमारे मन में उनके लिए ये धारणा बनी रहेगी कि वो हमें लूट रहे हैं, वो मार्केट में आके मोनोपोली क्रिएट करते हैं, या वो प्रिस्क्राइबर्स को, डॉक्टर्स को खरीदते हैं, उनको पैसा देते हैं इसलिए डॉक्टर्स वो प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो ये शायद बहुत गलत है। हमें जो कंपनीज इनोवेटर ड्रग्स बनाने में काम कर रही हैं उनके उन एफर्ट्स का उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह से प्रॉफिट के साथ में काम करें नहीं करेंगी तो वो अगले आने वाले नए ड्रग्स में पैसा कैसे लगाएंगी। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा बिजनेस ही है, अगर मैं प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा तो मैं आगे फिर से री इन्वेस्ट कैसे करूंगा, और अगर मैंने ड्रग की नए ड्रग्स की खोज में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि इंसान को नए ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, हम और आपको नए ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। हमें यह जरूर समझना चाहिए दोस्तों कि हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। हमारे 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 ऊपर जो ड्रग आज से 4-5 साल पहले काम कर रहे होते हैं वो बाद में काम करना बंद कर देते हैं बिकॉज बॉडी उनके लिए रेजिस्टेंस लेकर आ चुकी होती है। जो पैथोजेंस होते हैं बेसिकली जो एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब भी जो हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे ही उनको ये पता चलता है कि उनके अगेंस्ट बॉडी के अंदर कोई ड्रग अवेलेबल है और उनकी जो टोटल कॉलोनी है या उनकी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर अटैक हो रहा है और वो मर रहे हैं, तो उसमें से कुछ जो बच जाते हैं, अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि एक आर्मी ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया है, इस आर्मी में करीबन 1,00,000 सैनिक हैं, इंडिया ने यहाँ से अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट किया और उसने उस आर्मी के ऊपर अटैक किया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें 1,00,000 के 1,00,000 जो सैनिक थे वो मारे जाएंगे, समझ लो कि उसमें से 80,000 सैनिक मारे गए लेकिन 20,000 बच गए। अब ये 20,000 सैनिक जो हैं वो आज की डेट में तो बच गए और वो रिटर्न चले गए या हाइबरनेट हो गए, छुपके कहीं बैठ गए, लेकिन उनको जब भी हमारी इम्यूनिटी फिर से डाउन होती है या जब भी उनको फिर से मौका मिलता है वो फिर से खड़े होते हैं और फिर से अटैक करते हैं। अब ये समझिए जब वो फिर से अटैक कर रहे हैं तो उन्हें पहले से पता है कि हमारी बॉडी के पास में या हमारे देश के पास में फाइटिंग मैकेनिज्म कैसा है कैसा नहीं, तो वो उससे ओवर पावर होकर अटैक करते हैं। तो दैट मीन्स जो ड्रग हमने अपनी बॉडी को पहले दिया था इन बैक्टीरियाज या इन वायरसेस या माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, वो शायद इस समय वापस से देने पर कारगर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों को नए ड्रग्स को ढूंढने की जरूरत पड़ती है ताकि वो इन नए स्टाइल के, इन नए काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ में फाइट कर सके, लड़ सके। सिमिलरली आपने ये जरूर देखा होगा कि जैसे हम अगर हम डायबिटिक हैं
और हमारा जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो कम हो चुका है। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक दवाओं के साथ में और हम उसकी एक दिन वन डे डोज या टू डे डोज लेते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली जो बॉडी है वो, क्योंकि ड्रग जो है वो अल्टीमेटली केमिकल है और केमिकल के अगेंस्ट बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस डेफिनेटली बनाती है, राइट। तो इस केस में धीरे धीरे जो वो ड्रग है उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है कुछ टाइम के बाद में वो कम हो जाती है, इसलिए फिर हम लोगों को कोई एक नया ड्रग डालना पड़ता है या दो डिफरेंट ड्रग्स को मैच करके देना पड़ता है ताकि हम जितना भी रेजिस्टेंस है उससे ओवरकम कर सकें और हमारी इफेक्टिवनेस को बना के रख सकें। तो दोस्तों आप समझते होंगे कि इतने ज़्यादा एफर्ट जिस कंपनी ने मार्केट में लिए होते हैं, अगर हम उसको उसकी प्रोडक्ट की वाजिब कीमत ना दें तो आप ही बताइए कि कैसे वो कंपनी आगे ड्रग्स में इन्वेस्ट करेगी, नए ड्रग्स की खोज करने में इन्वेस्ट करेगी। सो दोस्तों मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप धारणाओं में मत आइए, मीडिया के द्वारा फैलाई गई बातों में मत आइए। आई होप आप मेरी इस एडवाइस को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को जाने से पहले जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी आपकी फैमिली में डेफिनेटली इस काइंड ऑफ टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता होगा, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनको बेनिफिट दे सके। सो दोस्तों इससे अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जेनरिक मेडिसिन रिटेलर्स, चाहे वो सिंगल शॉप ओनर्स हैं या वो अब नई लॉन्च चेन्स हैं, आपकी पॉकेट पर डाका मारने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए अगले वीडियो के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय इसरो। और चंद्रयान के लैंडिंग की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पॉकेट को दोस्तों हम और